अब हम लोग देखेंगे परसिस्टेंस मेथड इन देखो कर, हमारे पास कोई स्टेशन ए है और वो डेटा सेंड करना चाहता है तो डेटा सेंड करने के लिए वो क्या करेगा जैसे हमने अभी देखा था सीएसएमए में कि वो पहले चैनल को सेंस करेगा अब उसको अगर चैनल बिजी मिले तो वो क्या करेगा ऑब्वियसली वो वेट करेगा है ना तो बट कितनी देर वेट करेगा वो हमें देखना है और अगर स्टेशन को चैनल आइडल मिलती है तो वो क्या करेगा या इमीडिएटली डेटा सेंड कर लेगा या थोड़ा सा वेट करेगा एंड साउंड तो ये सारी चीजों का आंसर कौन करते हैं हमें परसिस्टेंस मेथड तो मैंने यही पॉइंट लिख दिया है कि वर्ड शुड स्टेशन डू इफ चैनल इज चैनल इज बिजी और व्हाट शुड स्टेशन डू इफ चैनल इज आइडल ठीक है चैनल बिजी मिले या आइडल मिले तो स्टेशन कैसा बिहेव करेगा वही सब कुछ हमें परसिस्टेंस मेथड में पढ़ना है ठीक है तो तीन तरह के परसिस्टेंस मेथड है हमारे पास वन परसिस्टेंस नॉन परसिस्टेंस और पी परसिस्टेंस वन परसिस्टेंस क्या कहता है कि स्टेशन विल कीप ऑन चेकिंग द चैनल ठीक है जैसे ये चैनल है हमारे तो स्टेशन लगातार चैनल को सेंस करता रहेगा और जैसे ही उसको चैनल आइडल मिलेगी जैसे यहाँ पे उसको आइडल मिल गई इमीडिएटली वो डेटा सेंड कर देगा मतलब विद प्रोबेबिलिटी पी सॉरी विद प्रोबेबिलिटी इट विल सेंड द डेटा एज सुन एज इट फाइंड आइडल ठीक है जैसे यहाँ पे इसको चैनल आइडल मिली चैनल आइडल मिलते ही इमीडिएटली वो डेटा सेंड कर देगा ठीक है दैट इज वन परसिस्टेंट तो ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है कि स्टेशन कीप ऑन चेकिंग द चैनल एंड एज सुन फाइंड द चैनल आइडल इट इमीडिएटली सेंड द फ्रेम ठीक है वो इमीडिएटली अपना फ्रेम सेंड कर देगा अब एक बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्यों होगी सपोज करो स्टेशन ए है वो अपना अभी डेटा सेंड कर रहा है ठीक है वो डेटा सेंड कर रहा है और स्टेशन बी और सी के दिमाग में आ गया डेटा सेंड करने के बाद भेज चुका है और और उसी टाइम पे B और C के दिमाग में आ गया तो ऑब्वियसली वो तो सेंस करेंगे चैनल चैनल को तो उनको तो उनको बिजी मिलेगी वो चुपचाप वेट करते रहेंगे बट जैसे ही उनको आइडल मिलेगी वो इमीडिएटली डेटा सेंड करेंगे मतलब बी और सी इमीडिएटली डेटा सेंड करेंगे और उनका डेटा कोलाइड हो जाएगा समझ में आ रहा है तो कोलूशन के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट हमने वो लिख दिया

मैंने आपको बताया था बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है ना बैंडविड्थ मल्टीप्लाइड बाय प्रोपेगेशन टाइम जिसको हम कहते थे बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट

फिल द चैनल अच्छा अब अगर हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा तो याद रखना कोलिजन के भी बहुत होंगे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी चैनल है ये स्टेशन ए है इसने अपना फ्रेम यहाँ रख दिया ठीक है फ्रेम यहाँ रख दिया चैनल पे और ये ट्रांसमिट हो रहा है चैनल के थ्रू चल रहा है अब सपोज करो फ्रेम हमारा यहाँ पहुंच गया ठीक है मतलब यहाँ से चलाता और यहाँ तक आ गया और यहाँ पे स्टेशन बी था जिसने चैनल को सेंस किया और उसको क्या लगेगा कि चैनल हमारी आइडल है क्यों क्योंकि फ्रेम काफी आगे तक जा चुका है और जैसे ही इसको आइडल मिलेगी ये डेटा इमिडियटली सेंड करेगा जिसके कारण जो फ्रेम हमारा आगे चल रहा था मतलब उसका टेल और जो बी स्टेशन अपना फ्रेम सेंड करेगा उसका हेड ये आपस में कोलाइड हो जाएंगे तो उसमें कोलेन के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो इसलिए तो याद रखना बैंडविड डिले प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा कोलिजन के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे यही पॉइंट हमने लिखा है कि high, ठीक? समझ में आ गया होगा। बहुत अपना फ्रेम सेंड करना कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद कोई दूसरा फ्रेम को सॉरी कोई दूसरा स्टेशन चैनल को सेंस करेगा तो उसको आईडी मिलेगी क्योंकि फ्रेम काफी तक आ, काफी आगे तक जा चुका होगा और वो अपना फ्रेम सेंड कर देगा और जैसे वो अपना फ्रेम सेंड करेगा तो पहले फ्रेम का टेल और जो दूसरा स्टेशन है उस फ्रेम आ, उसने जो फ्रेम सेंड किया उसका हेड आपस में कोलाइड हो जाएंगे तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस तो इसलिए याद रखना जितना ज्यादा बैंडविड्थ प्रोडक्ट होगा उतने चांसेस ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे ठीक ओके और ये लास्ट पॉइंट ये भी याद रखना इथरनेट लैन यूजेस वन परसिस्टेंस मेथड ठीक है तो इथरनेट लैन के अंदर वन परसिस्टेंस मेथड चलता है ठीक

और उसके बाद वो फिर से चैनल को सेंस करेगा उसको फिर भी बिजी मिली तो फिर अगेन कोई और रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा और उसके बाद फिर सेंस करेगा बट जैसे ही उसको चैनल आइडल मिल जाएगी वो इमीडिएटली अपना फ्रेम सेंड कर देता है ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ मतलब ऐसे समझ लो जो वन परसिशंस है वो छोटा वो जिद्दी बच्चा है जिद्दी बच्चा है इन सेंस वो लगातार चक्कर करता रहेगा और जैसी चैनल आइडियल मिलेगी और जो नॉन परसिस्टेंस है वो थोड़ा सा रिलैक्स है वो कहता है, है एक बार मैं सेंस करता हूँ मुझे लगता है ठीक है चलो बिजी है छोड़ दो मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर उसके बाद फिर आऊंगा और फिर देखूंगा कि इस चैनल बिजी है या नहीं उसको फिर बिजी मिलेगी तो फिर वो सो जाएगा थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा से आएगा एंड सॉन्ग तो वही मतलब है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना ठीक अब यहाँ पे चांसेज ऑफ थो कोलिजन थोड़े से कम होंगे विद वन परसिस्टेंस क्यों क्योंकि इसमें हम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली हर एक स्टेशन का रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम अलग अलग होगा तो चांसेस ऑफ थो कोलिजन आर वेरी लो ठीक बट इसमें एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क काफी कम आएगी और साथ साथ ये भी ध्यान रखना हमें कि इसमें चैनल यूटिलाइजेशन ज्यादा आएगी क्योंकि इसमें कोल्यूजन के चांसेस कम है ठीक है चलो मैं फटाफट से पॉइंट्स फटाफट पढ़ लेता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा नॉन परसिस्टेंस में क्या है इफ स्टेशन फाइंड्स द चैनल बिजी इट वेट्स फॉर अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंस द चैनल अगेन ये हमने पॉइंट देखा था इफ इट अगेन फाइंड्स द चैनल बिजी इट विल अगेन वेट फॉर अमाउंट ऑफ टाइम बट एज सून एज इट द चैनल आइडल

ड्येशन या तो प्रोपेगेशन टाइम होगा या प्रोपेगेशन टाइम से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है प्रोपेगेशन टाइम क्यों लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे वनरेबल टाइम वॉज प्रोपेगेशन टाइम अगर आपको याद हो हमने स्लॉटेड अलोहा में क्या बताया था आपको टाइम इज डिडेड टू स्लॉट्स एंड ईच ऑफ लेंथ ट्रांसमिशन टाइम क्यों क्योंकि वहां टाइम ट्रांसमिशन टाइम बट हेर वनरेबल टाइम इज प्रोपेगेशन टाइम तो इसलिए हम लोगों ने हम लोग टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे हर एक स्लॉट की ड्यूरेशन कितनी होगी प्रोपेगेशन टाइम कारण आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि अगर प्रोपेगेशन टाइम वाला जो भी टाइम है जैसे प्रोपेगेशन टाइम टू से का है तो अगर 2 सेकंड्स हमारे बीत चुके हैं तो हमें पक्की बात है पता होगा कि जो भी बिट चली है किसी भी स्टेशन से वो लास्ट स्टेशन तक आराम से पहुंच चुकी है मतलब हर एक स्टेशन जो भी बीच में चैनल को एक्सेस करेगा उसको चैनल बिजी ही मिलेगी समझ में आ रहा है जैसे अगर हमारा प्रोपेगेशन टाइम 2 सेकंड्स का है तो अगर 2 सेकंड बीत चुके हैं तो बिट मतलब जो भी पहली बिट चली होगी स्टेशन से वो लगभग हम कह पाएंगे कि हर एक स्टेशन तक पहुंच चुकी है तो ऑब्वियसली उसके बाद पोलूशन होने के चांसेस नहीं है क्योंकि जब भी स्टेशन सेंस करेंगे चैनल को तो उनको बिजी ही मिलने वाली है ठीक है तो यही सबसे बड़ी मेन एडवांटेज है कि हमने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड किया और स्लॉट कैसा है प्रोपेगेशन टाइम जितना है या उससे थोड़ा सा बड़ा भी हम लोग ले सकते हैं ठीक है थेके? तो ये बात हमें याद रखनी है ये मैंने पॉइंट लिखा है कि दिस मेथड कैन बी यूज इफ चैनल हैजाइम स्लॉट विद स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम ठीक है अच्छा और और दूसरी क्या खास बात है ये दोनों की एडवांटेजेस को कंबाइन कर लेता है मतलब वन परसिस्टेंस की भी और नॉन परसिस्टेंस की भी तो यही हमने लिखती है कि इट एडवांटेजेस

रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहे थे तो एफिशिएंसी वहां पे कम आ रही थी बट यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी मतलब एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी ठीक है और कोलिजन के चांसेस भी काफी कम होंगे क्योंकि नॉन परसिस्टेंस कोलिजन के चांसेस कम होते थे बट वन में काफी ज्यादा होते थे क्यों क्योंकि जैसे चैनल आइडियल मिलती थी वो इमीडिएटली स्टेशन डेटा सेंड कर देता था तो वहा कोलिजन के चांसेस काफी ज्यादा थे बट यहाँ पे वो चीज को भी हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ठीक है मैं फटाफट -फ़ड़ से आपको फ्लोचार्ट की हेल्प से समझाता हूँ कि पी परिसेंस कैसे वर्क करता है वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको थोड़ा सा देता हूं देखो क्या होगा जैसे हम, हम लोगों ने देखा था मतलब ऐसे लगातार सेंस करते रहेंगे जब तक उसको बिजी मिलती रहेगी वो सेंस करता ही चला जाएगा अच्छा जैसे ही उसको चैनल आइडल मिलेगी जैसे यहाँ पे चैनल आइडल मिलगी स्टेशन को तो वो क्या करेगा जनरेटर है इसलिए प्रोबेबिलिटी प्रॉबिलिटी हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है तो इसलिए हम लोग जीरो और वन के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो रैंडम नंबर लेस देन और इक्वल टू पी है क्या ये पी क्या है पी इज यू कैन से नंबर असाइंड टू अ चैनल ठीक है इस चैनल को हम एक नंबर असाइन कर देंगे और ये नंबर वही जीरो और वन के बीच में होगा ठीक है ये नंबर हमने पी चैनल को दे दिया और हम देखेंगे कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट किया स्टेशन स्टेशन ने वो लेस देन और इक्वल टू पी है कि नहीं अगर लेस देन इक्वल टू पी होगा तो स्टेशन ट्रांसमिट कर सकता है अपना फ्रेंड अदरवाइज वो एक स्लॉट का वेट करेगा तो यहाँ पे वही स्लॉट वाली बात आ गई जो हमने प्रोपेगेशन टाइम के स्लॉट्स बनाए हुए थे तो एक स्लॉट का वेट किया जाएगा अब वेट करने के बाद हम देखेंगे क्या क्या चैनल बिजी है अगर चैनल बिजी नहीं होगी मतलब अगर फॉल्स होगी तो फिर वही सारा प्रोसेस दोबारा से हो जाएगा जनरेटर नंबर आर्किटेक्ट जीरो नंबर एंड ये सारा काम दोबारा से चलता रहेगा बट बाय चांस अगर चैनल उसको बिजी मिल जाएगी तो वो बैक ऑफ प्रोसीजर यूज करेगा और एक्ट करेगा कि जैसे शायद कोई हो हो गई बैक ऑफ प्रोसीजर क्या है ये मैंने आपको अलहहा में पढ़ाया था तो अगर आपको नहीं पता बैक ऑफ क्या है तो प्लीज पहले मेरा अलहो का वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा बस उसमें हम कुछ नहीं करते थे रैंडम नंबर चूज करते थे और उसको मल्टीप्लाई करा देते थे टाइम स्लॉट के साथ और उतना टाइम हम वेट करते थे मतलब एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट किया जाता था ठीक है तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको तो बेसिकली हमें करना क्या है स्लॉट का इंतजार करने के बाद हमें चैनल को चेक करना है अगर चैनल बिजी मिल गई तो फिर वही बैकअप प्रोसीजर चलेगा अगर बिजी नहीं मिली तो फिर वही बात रैंडम नंबर आर जनरेट किया जाएगा एंड सोन तो सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगा तो आई थिंक क्लियर हो अगर सबको बहुत ज्यादा डिटेल में, में से हमें जाने की जरूरत नहीं थी बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि पी परसिटेंस एक्चुअली वर्क कैसे करता है बस बेसिक बात आपको याद रखनी है इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्योंकि दोनों की एडवांटेजेस को कंबाइन कर देता है वन की भी और नॉन परसिस्टेंस की भी ठीक एक छोटी सी बात हमें और याद रखनी है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी ना पी की उतना ज्यादा थ्रोपुट आएगा हमारा थ्रोपुट इन द सेंस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन उतनी ज्यादा क्यों क्योंकि कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं थ्रोपुट की तो हमारे पास ऐसे पॉइंट फाइव परसिस्टेंस ठीक है मतलब पी की वैल्यू पॉइंट फाइव है तो उससे ज्यादा थ्रोपुट आएगा पॉइंट वन परसिस्टेंस का ठीक है और उससे ज्यादा थ्रोपुट आएगा जितनी छोटी वैल्यू होगी और पी की वैल्यू इतनी छोटी होगी तो एक किसम से हम रैंडम नंबर जो चूज करेंगे वो लेस देन और इक्वल टू पी होना चाहिए सिर्फ तभी हम लोग ट्रांसमिट कर पा रहे हैं तो आप आई थिंक आप कॉमन से समझ पा रहे होंगे जितनी छोटी वैल्यू होगी पी की हमारे पास कोलिजन के चांसेस उतने ही ज्यादा कम होंगे और एक किस्म से थ्रोपुट हमारा ज्यादा अच्छा आएगा बट साथ साथ चैनल यूटिलाइजेशन भी हमारी कम हो जाएगी थोड़ा सा इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ठीक है तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर पी पीपल्स सो दिस इज ऑल अबाउट सीएसएम ए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीएसएम में सी डी पढ़ेंगे वहां पर काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं गेट में तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे ठीक ओके okay.